गाइस, वेलकम टू निवेदिता'स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मकर संक्रांति, 15 जनवरी। तो मेरे ऑल सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, जितना भी मेरा फैमिली मेम्बर्स है, सबको हैप्पी मकर संक्रांति। खूब सारा एंजॉय कीजिए। और चलिए, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी से, सुबह से। तो सुबह का तो ऑलमोस्ट काम हो गया है, तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और हूँ मैं छत पे, मेरा जो छत है वहीं पे हूँ। तो चलिए जल्दी से खाना बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो आज है मकर संक्रांति और मैं हूँ अपने किचन में। तो ये रहा गुड़। तो अभी हम पीठा बनाएंगे, ऐसे सिंपल सा काकरा पीठा बोलते हैं वो बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास नारियल ये सब अवेलेबल नहीं है। तो सिंपल सा मैं काकरा बनाऊंगी और आलू दम बनाऊंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। और हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। और जो देख रहे हैं मेरा चैनल, मेरा वीडियो, और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, सामने और अच्छा अच्छा वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट। आज मैं काकरा पीठा बनाऊंगी। तो काकरा पीठा बनाने के लिए मुझे 1.5 ग्लास पानी लूंगी और ये है चावल का आटा। चावल का आटा है तो जितना मुझे लगेगा उसी हिसाब से मैं बनाऊंगी। तो अभी मैं नहीं बता सकती कितना लगेगा, तो देखते हैं कितना लगता है। और मैं चीनी दानी गुड़ का बनाऊंगी, उसके बाद हम तेलेंगे। तो मैं कैसा बनाती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो देखिए कैसा बनाती हूँ। यहाँ पे 4 इलायची लिए हैं और यहाँ पे लौंग 2-3 लिए हैं।
जब हम बनाएंगे ना तो अच्छे से एकदम टाइट से मतलब पकड़ के बनाना पड़ता है, नहीं तो नीचे का लग जाता है। फ्रेंड्स, हमारा काकरा पीठा बन के तैयार हो गया है। कैसा बना है तो हम टेस्ट करके तो बताएंगे ही, लेकिन हाँ अच्छा बना होगा। और आप भी काकरा पीठा बना के खाइए, देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है ना। तो चलिए आलू दम बनाते हैं अभी।
तो फ्रेंड्स हमारा आलू तुम आलू कोसा ड्राई बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बोला कि आलू कोसा खाना है, तो मैं पानी नहीं डालूँगी, ऐसे ही सूखा रहेगा। तो आज का ब्रेकफास्ट यही है हमारा, लंच में अभी तक सोच नहीं क्या बनाऊँगी, तो देखते हैं। आज का वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।